ये बहुत देखनी है, जरा गौर से देखनी है, ये बहुत मैंने ऐसी रोटी बना ली, इतनी बहुत बनी है, दस बीस एक ये जैसे आई थी वैसे गायब हो, आठ दूसरी को गायब हुई क्या रह सकते हो अब देखो हुई मुंह में तो बॉल नहीं है आप देखना है
शाबाश लेके नंबर टू, अगर अच्छा लगे तो फिर तालियां। और किसे वाइस मंत्री बोलेंगे, क्या रो सकते हो उत्तराखंड का पोस्ट, हेलो। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ।
Yeah.
आपने हमारे पुराने जज्बातों को सिखा दिया है। हाँ हाँ
कैसे मैं आपको बताता चलता हूँ कि एक फौजी फौज से छुट्टी आ रहा था, अगर जो ध्यान से सुनेगा उसे काम आएगी। एक फौजी फौज से छुट्टी आ रहा था, रास्ते में उसे गाड़ी नहीं मिली, उसने जंगल का रास्ता ले लिया। जंगल के रास्ते में एक बाबा बैठा हुआ था, बाबे ने सदा की दे अल्लाह के नाम पे। फौजी ने क्या किया, 500 का नोट निकाला और फकीर की हथेली पर। फकीर बड़ा हैरान हुआ कि मैंने छोटी सी सदा की और इस फौजी भाई ने मुझे 500 का नोट दे दिया। वो क्या किया, बाबे ने फौजी को अपने पास बिठा लिया, बाबे ने अपने पास बिठाया, बाबे ने अपनी दूसरी गोली 25 गोलियां निकाल के फौजी की हथेली पर रखी। फौजी बड़ा मायूस हुआ कि बाबा जी ना मुझे कोई बीमारी है ना मुझे कोई टेंशन, मैं इस गोलियों को क्या करूँगा। कहने लगे बेटा जब आप 60 साल के हो जाओ, आप 4 गोलियां खाओगे तो आप 15 साल। फौजी ने मेहरबानी करके गोलियां देह में डाली, कह रहा है अम्मी आ गई। घर की तरफ चल, घर पहुंचा अम्मी को बताने लगा, अम्मी रास्ते में से आ रहा था, एक बाबे ने सदा की, मैंने उसे 500 का नोट दिया। अल्लाह जाने हम तो बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, पर वो बुजुर्ग को अपनी सच्ची बात कह रहा है, झूठी बात कह रहा है मुझे नहीं पता। मतलब ऐसी मैंने फौजी ने गोलियां माँ की हथेली में रख दी। कहने लगा माँ जी ये कहता था जो 60 साल का होगा 4 गोलियां खाएगा वो 15 साल। माँ ने मेहरबानी करके गोलियां उठा के बर्तनों के ऊपर रख दी। फौजी चला गया छुट्टी गुजार के फौज में वापिस। 25 दिन के बाद माँ ने घर की सफाई करना शुरू कर दी। माँ के हाथ लग गई वो गोलियां, 4 गोली हथेली पर रखकर सोच रही है, माँ की उम्र थी 60 साल, 4 गोली हथेली पर रखकर सोचा कपड़े पकड़े घोड़े ने खूब मारे से अल्लाह ताने से
कौन लेते हैं?